हेलो ब्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अपूर्वा और आप देख रहे हैं ग्लैमरहॉलिक ऑफिशियल। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेप बाय स्टेप पार्टी मेकअप लुक जो कि कंप्लीट न्यूड है। एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये आपके स्किन को प्रिपेयर करता है आपके मेकअप के लिए और आपके बेस को और फ्लॉलेस दिखाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग लोशन को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर, विच इज़ अ ऑरेंज कलर करेक्टर फ्रॉम एले गर्ल। हमें अपने डार्क एरियाज़ को, पिगमेंटेड एरियाज़ को, डार्क स्पॉट्स को हाइड करना है यूजिंग दिस कलर करेक्टर। सो आफ्टर कलर करेक्टिंग मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर विच इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन। सो मुझे जहाँ लगता है मेरे स्किन पे बम्प्स है या अनइवन टेक्सचर है फेस पे, मैं वहाँ अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अपने प्राइमर को अच्छे से स्प्रेड कर ले रही हूँ। अब हम आते हैं फाउंडेशन पे और फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। इट्स अ मैटिफाइंग पोरलेस फाउंडेशन और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो है 330 टॉफी। आपको अपने शेड के अकॉर्डिंग मेबलिन के रेंज में फाउंडेशन मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक फ्लैट ब्रश के यूज़ से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। फाउंडेशन के लगाने के बाद हम आते हैं बेकिंग पे एंड फॉर दैट मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द सेम शेड विच इज़ 330 टॉफी। आपको कॉम्पैक्ट में भी अपने शेड के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट्स मिल जाएंगे। सो आई एम यूजिंग अ ब्रश अपने कॉम्पैक्ट को लगाने के लिए। अगर आप चाहो तो आप एक पफ का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लश पे एंड फॉर दैट आई हैव यूज्ड अ क्रीम ब्लश विच इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन एंड इट्स अ वेरी क्यूट कोरल पिंक कलर जिसे मैं अपने चीक्स और अपने नोज़ के टिप पे और चिन पे लगा ले रही हूँ। ये थोड़ा सा आपके मेकअप को सेटल सॉफ्ट दिखाता है एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस अगर आप क्रीम ब्लश लगाना चाहते हो या फिर पाउडर ब्लश लगाना चाहते हो। सो आफ्टर फाउंडेशन मुझे लगता है कि क्रीम ब्लश ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो आई हैव यूज्ड दिस वन। इफ़ यू वांट आप चाहो तो पाउडर ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। हमारे फेस मेकअप के अच्छे से हो जाने के बाद अब हम आते हैं आईज़ पे एंड फॉर दैट आई हैव यूज्ड फैब सीक्रेट्स रोज़ गोल्ड पैलेट जिसे मैं सबसे पहले पिक कर रही हूँ, एक प्यारा सा न्यूड ऑरेंज शेड, और उससे लगा रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पे। सो इसे हमें एक फ्लफी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है अपनी क्रीज लाइन पे। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर क्रीज आपको अपने इनर क्रीज के डायरेक्शन में इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एंड दिस इज़ द स्टेप विच यू हैव टू रिपीट ऑन बोथ आईज। एंड देन फ्रॉम द सेम पैलेट हमें पिक करना है डार्क ऑरेंज शेड और उसे अप्लाई करना है अपने आईलिड के सेंटर पे। सिंपली आपको एक फ्लफी ब्रश यूज़ करके इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है ओवर योर आईलिड एंड इट्स डन। सो फॉलोइंग विद द सेम डार्क ब्राउन कलर आपको उसे अपनी वाटर लाइन के नीचे लगा लेना है। मेक श्योर नेवर स्किप द स्टेप क्योंकि आपकी आई मेकअप को कंप्लीट करता है एंड इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर आई मेकअप। सो नेक्स्ट है आई हैव टेकन एपीकेज जेल लाइनर विच इज़ इन द शेड ब्राउन। सो ब्राउन मैंने लिया था अपने आईब्रोज के लिए एंड आई वॉन्ट कि मेरे जो आईब्रोज हैं वो नेचुरल दिखे, दैट्स वाई आई हैव यूज अ ब्राउन जेल लाइनर।
आईब्रोज के हो जाने के बाद हम एपीके के जेल लाइनर पे आते हैं, बट इस बार हम यूज़ करने वाले हैं ब्लैक जेल लाइनर फरार आईलाइनर। सो सबसे पहले हमें एक थिन सा लाइन ड्रॉ करना है अपने आईलिड पे, एंड इस लुक के अकॉर्डिंग आई हैव थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ स्मज लाइनर। सो सिंपली आपको एक प्यारा सा छोटा सा थिन लाइन ड्रॉ करना है आपके आईलिड पे और जेंटली उसे स्मज कर देना है। दैट्स ऑल। आईलाइनर की कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं काजल पे। सो काजल मैंने लिया है NYB का, इट्स अ ब्लैक काजल, एंड NYB के प्रोडक्ट्स मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सो यू कैन ट्रस्ट NYB। काजल लगाने के बाद आपके आई मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ पुटिंग अ आई लैशेज। सो माई लैशेज आर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, दीज आर द मीडियम वॉल्यूम लैशेज जो आपको आपके आईलिड पे अच्छे से लगा लेने हैं। नाउ फॉर द लिपस्टिक आई हैव यूज्ड अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउन शेड जो कि है ब्लू हेवन का। आपको सारे प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैं अपने लिप्स पर लगा रही हूँ ये प्यारा सा ब्राउन शेड। सॉफ्ट अप्लाइंग द ब्राउन शेड मैंने लिया है लव अर्थ का प्यारा सा पीस शेड विच आई एम अप्लाइंग इन द सेंटर ऑफ माई लिप्स, और हमें एक ओम्ब्रे इफेक्ट मिल जाएगा अपने लिप्स पे। एंड आई मस्ट से ये दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी परफेक्ट है अगर आप एक नेचुरल लिप या न्यूड लिप क्रिएट करना चाहते हो, सो यू मस्ट ट्राई दिस वन। लिपस्टिक के कम्प्लीट हो जाने के बाद मैंने लिया है लॉरियल ल्यूमी इल्यूमिनेटर, इट्स अ काइंड ऑफ हाईलाइटर यू मस्ट से, बट ये काफ़ी नेचुरल है एंड ये आपके फेस को कम्प्लीट वो ड्यूई ग्लॉसी इफेक्ट देता है बोल सकते हो। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी नेचुरल सटल मेकअप, आपको ये हाईलाइटर अपने साथ रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल, हियर इज द फाइनल लुक। होप यू गाइज लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड सो don't forget to like it, share with your friend and subscribe to my channel if you are new here. Really thanks for watching. Love you all.